नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के नुहू विधानसभा में, और ये नुहू शहर है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ मिजाज रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से राज बब्बर को टिकट दिया है, तो बीजेपी की तरफ से कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है और मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या कुछ रहने वाला है। भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ? माहौल की जी देखो जी, वो हम तो देख रहे हैं ना, भाई बाबा से पूछो एक बार। बाबा से भी पूछेगा, आप भी बताओ ना थोड़ा। यहाँ हाल तो बेकार चल रहे हैं जी, जैसे हालात चल रहे हैं जी हिसाब से। यहाँ तो वोट ले जाते हैं, चले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, वहाँ से कोई काम करता नहीं है यहाँ जी। और टाइम पाते हैं वोटों के, टाइम पाते हैं मांग कर, फिर बाद में कोई सुनाई नहीं करता। हाँ जी, तो इस बार क्या रहेगा? अब देख, बीजेपी कांग्रेस जो हमारे बूढ़े बड़े बोलेंगे हम तो वो करेंगे जी। अच्छा, हमारे हिसाब से तो बीजेपी के हिंद ज्यादा लग रही दिखे ना। देख रहे हैं जी, जैसे अब कांग्रेस ने राज बब्बर को उतारा है, कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे कुछ ना पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राविंद्र जी कुछ नहीं है, ऐसे कुछ उससे नहीं है, हमारे यहाँ कौन आए कोई नहीं आता जी। हाँ जी। और आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई राज बब्बर कहाँ से आ रहा है, हम वो कौन सा हमारे बीच रहेगा? इंद्रजीत फिर भी नजदीक का है। अच्छा, इंद्रजीत 4 साल में आए? नहीं आए, एक दो बार। हाँ, मतलब 5 साल में एक दो बार आए। बस क्या करे, मजबूरी है वोट देने की, तो फिर मजबूरी किस है? मजबूरी इसीलिए भाई, और कोई है ना नजदीक हमारा। अब यहाँ इन्होंने और भी तो कैंडिडेट उतारे हैं ना, और कैंडिडेट आए थे, उसको देखेंगे भाई कौन है आगे। अच्छा, राज बब्बर आ, राज बब्बर यहाँ कहाँ रहेगा? हमारे बीच राज बब्बर रहेगा, राज बब्बर दमदेव रहेगा, क्या रहेगा? तो अब कांग्रेस ने तो इसी भरोसे से दिया ना उसे टिकट की वो गुरुग्राम में आएंगे। नहीं नहीं, आप सुनो, गुरुग्राम में नहीं आएंगे, गुरुग्राम में कौन रह रहा है? ऐसा हमारे वही इंद्रजीत वगैरह ना रहे गुरुग्राम में, हमारे यहाँ इंद्रजीत ने कुछ काम वाम किए हैं? कोई काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर मजबूरी है वोट दे? मजबूरी वोट दे, तो ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए ना, और भी तो कैंडिडेट किसी को चुन के फिर उसको देखेंगे भाई। अच्छा, कोई और आएगा सामने उसको देखेंगे। अच्छा, नया कैंडिडेट लगा तो? हाँ भैया, क्या कुछ जी वोट? उसने कुछ काम नहीं किया यहाँ पर ना, वो यहाँ पर आता है, लेकिन अब राज बब्बर को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, उसने कुछ काम नहीं किया वो, तो राज बब्बर से उम्मीद है कि वो यहाँ रहेंगे, कुछ कर सकते हैं वो भी तो, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया इंद्रजीत ने। अच्छा, 10 साल में कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं यहाँ पर आता भी नहीं, वो तो आते भी नहीं है। नहीं तो अब की बार बदलाव का मूड है? बदलाव की बार। अच्छा, कांग्रेस आपका भैया क्या कुछ ही राज बब्बर के लिए दे रहे? राज बब्बर को अभिनेता के तौर पे दे रहे हो, नेता के तौर पे दे रहे हो? तौर पे दे रहे जी, नेता के तौर पे दे रहे। इंद्रजीत से काफी परेशान है यहाँ के लोग। अच्छा, अब तक उसे 10 साल के अंदर एक बार शक्ल नहीं दिखा नुहू में, अब तक भी उसके लिए कोई वोट नहीं देगा। मेवात में तो उसके लिए कम वोट मिलेंगे, मेवात में आता ही नहीं है वो। और राज बब्बर आया करेंगे? बाय, उम्मीद तो है आगे। अच्छा, पूरी पूरी उम्मीद है उससे, उम्मीद है, उम्मीद लगता है जीत जाएंगे? लगता है जी। अच्छा जी, कैसे जी? उसके गठबंधन को जैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी पूरी वो हो गया, टाइम पे सब पार्टियां कोई पड़ी है, इंदर जैसे काफी लोग परेशान है। अच्छा, तो और भी एकता हुए? हाँ, तब क्या कुछ माहौल है? इनसे बुलवाइए, आप भी बताओ ना। आप तो उम्र, अरे उम्र हो गई है भाई, तो क्या बोले हम? अगर सच बात कहे तो बुरी लग जाए। सच्ची तो कहनी है, और क्या कहना है? अब कांग्रेस में सब जब सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई देखिए कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ, आप किसकी सपोर्ट कर रहे हो? हमारी तो भाई जैसे पब्लिक जहाँ चलेगा वहाँ हम भी चल देंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ जहाँ पब्लिक चलेगा उस पीछे पीछे हम। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दिया, क्या लगता है? ऐसा है देखिए, हम तो पढ़े लिखे ना है, पर जहाँ पब्लिक क्या करती है धुन होगा वही पर ही हम भी चल देंगे, भीड़ चाल चलेगी, बस बस वही चलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चलेंगे कि अब 20 पब्लिक चल रहा है, खामो कहना कहाँ जाएंगे, हम भी उनके साथ में चलेंगे। सही है कि गलत है? ऐसे ही हम भी चल देंगे बस। अच्छा, जहाँ पब्लिक मूड हुआ वही चल दिया। भैया, आपका क्या कुछ इरादा है? भाई विचार, हमारा इरादा है जी कांग्रेस लाने का यहाँ। यहाँ 10 साल हो गए बीजेपी ने, आज तक कोई विकास नहीं किया, महंगाई इतनी कर दी, सिलेंडर जो कि आज 1000 रुपए का बिक रहा है, गरीबों के लिए 1000 का सिलेंडर बिकना चाहिए, ये 500 रुपए का बिकना चाहिए। हम आपके राज गब्बर को बढ़ाना चाहते हैं, जो ये आपके देखते हैं इसको भी बनेगा, बड़े काम करेगा, विकास करेगा, तो
इसको भी दोबारा लाएंगे ना तो इसको भी खत्म कर देंगे। एक बार इसको बीच में लाने का कांग्रेस बनाने का यहाँ हमारा मूड है, अगर ऊपर वाला बना दे तो इसको ये है बात। ताऊ ताऊ कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। हाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कुछ? अरे बात तो ठीक है भाई, क्या कुछ है, माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है। हाँ तो क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या पता है, ऊपर जाने वाले जाने कौन जीतेगा, जाके हाथ में जीतेगा। अच्छा यहाँ क्या चल रहा है क्षेत्र में? मोद पकड़ना है, मतलब अच्छा जो भी सरकार आ रहा है ना, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी आ, सब मतलब के लिए आवे, कोई गरीब के लिए कोई मदद ना करे, मतलब आवे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी संडैया भाव का है, कभी चावल मिलेंगे, वो मिलेंगे, राशन मिले, वो ना मिले। अच्छा कहाँ मिले, पब्लिक मतलब पूजा में आने बात है। अच्छा राह जो है पब्लिक को खुश रखे, पब्लिक मतलब वो रखे तो आगे के लिए काम ना हो जाए। अरे पब्लिक दिखाने के फायदा क्या ये और हम कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस बीजेपी क्या कहूँ? नहीं माहौल भी तो क्षेत्र में भी तो कुछ चल रहा होगा ना? देखो जी दो ही चल रहा है माहौल, तो कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। अच्छा बस तो यहाँ से कौन ज्यादा भारी रहेगा? अब वो भी बोलता है कोई है। अच्छा पता लगेगी माहौल का अभी क्या अंदाजा। अच्छा कांग्रेस ने राज बब्बर को दिया है टिकट, और ये एक अभिनेता है लेकिन नेता भी है, कांग्रेस से कई बार सांसद भी रह लिए हैं, तो अब की बार उन्हें मैदान में उतारा है तो लगता है क्या? और इधर से राव इंद्रजीत सिंह है वो भी मैदान में, राव इंद्रजीत को नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? अच्छा आते नहीं है कभी ना? अब आओ क्या इंद्रजीत, आओ या कोई कहीं ना आओ, अरे मतलब कोई आवे तो अभी सिर्फ वोट लेना होता है तो क्षेत्र में आते नहीं। अब मेरी बात सुनो, अभी शाही आ रहा हो, ये मतलब आ रहा है या मतलब आओ यहाँ तो शाही सियाणी क्यों आते हैं यहाँ, मतलब आ रहा है भी? अच्छा वैसे नहीं आते कोई भी भाई, कोई नहा है नेता। अच्छा तो और भी एक भाई साहब है। हाँ भाई साहब क्या कुछ इरादा है इस बार यहाँ का? पूरी मेवात यहाँ तक कांग्रेस को वोट देगी, बीजेपी के खाते नहीं खुलने देंगे। अच्छा तो अब की बार जैसे पिछली बार हर बार यहाँ से राव इंद्रजीत पिछड़ के तो जाते हैं लेकिन आज जीतेगा राव इंद्रजीत। अच्छा कन्फर्म। मतलब वो कैसे? वो राजा है यार, बड़ा आदमी है, यहाँ मेवात को तो उसने बिल्कुल समझता नहीं है। अच्छा बहुत तकबर वाला नेता वही। तो कांग्रेस ने भी अब अभिनेता को टिकट दे दिया। क्या अभिनेता इंसान नहीं होते? नहीं अभिनेता इंसान होते लेकिन जुड़ा हुआ है, दो बार तीन बार सांसद बन ले, दो बार राज्यसभा से बन ले, एक बार डिंपल यादव हो रहा है अखिलेश की घरवाली, उसने हल्का नेता नहीं है वो। अच्छा तो लगता है कि अगर राव इंद्रजीत के मुकाबले राज बब्बर अगर मैदान में हैं और अगर जीत जाते हैं तो वो क्षेत्र में रहेंगे सक्रिय? यार गुड़गांव रह रहे हैं 20 साल से, गुड़गांव क्षेत्र ही दो अपना, लोकसभा जीतने के बाद नेता कम आते हैं, यही रहेंगे। जैसे राव इंद्रजीत की कह रहे हैं लोग कि हर बार आते हैं इलेक्शन में आके वोट मांग के चले जाते हैं और फिर 4 साल देखते नहीं है, यही रहेगा वो कन्फर्म। अच्छा उम्मीद है कैंडिडेट तगड़ा दे दिया होगा। अच्छा राव इंद्रजीत को फारी किया करेगा राज बब्बर। अच्छा टेंशन मतलब जीतेगा, जीतेगा कन्फर्म। आगे कहीं और चलेंगे और क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ की जो जानकारी है वो आपके बीच रखेंगे, लोगों की राय आपके बीच रखेंगे कि लोगों के मन में आखिरकार इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।